नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, इसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पकड़े गए बदमाश के पास एक बाइक, अवैध हथियार बरामद किए हैं। हमको थाना एक्सप्रेसवे के द्वारा वाजिदपुर के समीप पुस्ता के पास चेकिंग की जा रही थी, जिसमें बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल के द्वारा जो है वो वहाँ से गुजरने पर पुलिस टीम ने उसको इंटरसेप्ट किया, जिसमें उसके द्वारा जो है वो पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में जो है वो एक व्यक्ति को गोली लगी है, उसको तत्काल अस्पताल रेफर किया गया है। इसकी पहचान नदीम उर्फ पौवा के रूप में हुई है। इस पर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं, बताया जा रहा है लूट के मुकदमे हैं। अभी उनकी जो है डिटेल निकाली जा रही है, साथ ही साथ एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल और कंटेनमेंट पिस्टल बरामद हुआ है। इसमें आवश्यक कार्रवाई थाना एक्सप्रेस वे के द्वारा की जा रही है।